दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें टेक्निकल यू को, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। तो स्वागत है आपका टेक्निकल यू में, मैं योगेश। इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ, आप अगर यूज करते हैं जियो फोन तो अगर आप जियो फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो जियो फोन जियो की तरफ से जो लॉन्च हुआ है उसमें ऑफिशियली ऐसा कोई फीचर नहीं है या ऐसा कोई व्हाट्सअप की तरफ से कोई अपडेट नहीं है कि व्हाट्सअप इसमें इंस्टॉल हो सकता है। तो अभी सिंपली काइवो एस में मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि काइवो ओ एस में या जियो फोन में सिंपली आप अभी के लिए आप व्हाट्सअप ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते। बट यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं किस तरीके से व्हाट्सअप आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऑफिशियली कोई ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते व्हाट्सअप का जियो फोन में। तो ये रही हमारे फर्स्ट थिंग, आप जियो फोन में व्हाट्सअप का कोई ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे अभी के लिए। जब कभी व्हाट्सअप की तरफ से लेटेस्ट वर्जन आता है तो वो बात अलग है, बट यहाँ पर जो जियो फोन की तरफ से बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो चल रहे हैं किस तरीके से आप चला सकते हैं। तो वहाँ पर एक वेबसाइट बताई जा रही है, ब्राउजर लिंक नाम की एक वेबसाइट है, वो जो ब्राउजिंग का क्रॉस प्लेटफॉर्म है वहाँ पर बताया जा रहा है कि आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो ब्राउजर लिंक का भी है, ये जो एक मिनट, इसमें भी एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप एक दिन में इसे एक ही बार 3 मिनट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्राउज़र लिंक है यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि व्हाट्सअप की जो व्हाट्सअप वेब होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको व्हाट्सअप वेब ठीक है, ये देखिए जो व्हाट्सअप वेब होता है ये पेज आप व्हाट्सअप जो कि है ये जो हमारा ब्राउज़र लिंक है यहाँ से ये पेज ओपन करिए और उसके बाद में आप व्हाट्सएप का जो यहाँ पर जो कोड शो करता है ये कोड आप आपके पुराने वाले फ़ोन से स्कैन कीजिए, उसके बाद में आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं जियो फोन में। बट मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो ब्राउज़र लिंक जो वेबसाइट है ये भी कम्प्लीटली ओनली 3 मिनट के लिए आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म देती है वेबसाइट का, और बहुत ही स्लो चलती है। ये कोई व्हाट्सएप का जेन्युइन तरीका नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कुछ तो भी बताने के लिए यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत सारे फेक वीडियोस अपलोड हो रहे हैं दिन ब दिन। तो आप बिल्कुल इन चीज़ों से सावधान रहिए, कोई वीडियो नहीं देखना है आपको यूट्यूब पर, कोई ऐसा परफेक्ट वीडियो नहीं मिलेगा आपको कि आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं जियो फोन में। अगर आप व्हाट्सएप जियो फोन में जब भी यूज़ कर पाओगे, व्हाट्सएप का ऐप इंस्टॉल कर पाओगे, तब आपको जियो की तरफ से ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगा उस ऐप का जो कि ईएस स्टोर है जियो का, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ऐप शो करेगा। अभी तक के लिए तो कोई अपडेट नहीं है, बट कोई नेक्स्ट आने वाले 90 दिनों में हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप का अपडेट मिल जाए, बट अभी तक के लिए कोई अपडेट नहीं है। तो आप इधर उधर ढूंढना बंद कर दीजिए व्हाट्सएप किस तरीके से। हाँ एक बात है, अगर आप शेयरइट यूज़ करना चाहते तो शेयरइट आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं जियो फोन में, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ठीक है दोस्तों, कुछ इस टाइप की ये व्हाट्सएप की न्यूज़ है आपके लिए। तो उसके बारे में अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं आप या किसी टॉपिक पर आप सर्च करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आप जब आपको भी अपडेट मिल जाएगा तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहते हैं आप तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।